सो हेलो एवरीवन, मायसेल्फ जिश कुटाला फ्रॉम पिक्सरीज। एंड आज का जो ये जो वीडियो का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि हर एक जो पियानो सीखना स्टार्ट करता है, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, उसको चाहिए कि ये टॉपिक मैं जल्द से जल्द देखूँ और जल्द से जल्द मैं इसको कवर करूँ। तो आज का टॉपिक है कि कैसे आप सॉन्ग के नोट्स फाइंड करोगे अपने आप से विदाउट सीइंग एनी ट्यूटोरियल्स, राइट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो मतलब आज मैं जो चीज बताऊंगा उसमें मैं तो ये बता दूंगा, राइट, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, राइट। मतलब जितना ज्यादा आप अच्छे से, जितने ज्यादा सॉन्ग की आप ट्राई करोगे, जितने ज्यादा सॉन्ग आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सॉन्ग को एक्सपीरियंस करोगे, राइट, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बेस बढ़ेगा और उतना अच्छे से फिर आप नोट्स फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए कि ये जो वीडियो को मतलब मैं जो सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे जो लिंक आ रही है उस पर पहले जाके मेजर स्केल एंड माइनर स्केल्स, ये दो लेसन्स को अच्छे से सीखिए पहले और उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए पहले, क्योंकि आज जो मैं कराऊंगा वो सारा कनेक्टेड है किससे, मेजर स्केल से और माइनर स्केल से, राइट। मतलब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ ही है कि मेजर स्केल्स में वो आपको सॉन्ग के नोट्स फाइंड करने में हेल्प करेगा और कॉर्ड्स का जो वीडियो भी वो जो वीडियो आएगा उसमें भी मेजर स्केल और माइनर स्केल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर स्केल देखिए, माइनर स्केल देखिए, और सिर्फ देखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है और अच्छे से सारे स्केल्स आपको पता होने चाहिए। अब सारे स्केल्स पता होगे तो ही आप ये वीडियो को कनेक्ट कर पाओगे अपने आप से, राइट। मैं जो बताऊंगा उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आई होप मतलब आपने देख लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज की आप मेक श्योर आप पिक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए नए अपडेट्स मिस ना करें, ठीक है। सॉन्ग मतलब इतनी सारी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूं, तो उसके बदले से एक ही चीज कह रहा हूं कि सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस इतनी चीज करनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कोई भी जो सॉन्ग हम सपोज करते हैं, कोई भी सॉन्ग हो, राइट, वो पर्टिकुलर एक स्केल में होता है, आपने ये चीज सुनी हुई है, राइट। अब एक स्केल में होता है, उसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कोई सॉन्ग है वो डी स्केल में, राइट, तो डी स्केल के आपको नोट्स पता है, राइट। अब ये नोट्स पता है, ये मैंने कैसे किया, वो मैंने मेजर स्केल और माइनर स्केल में बताया हुआ है और वो पूरी सीरीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर स्केल हो गया हमारा डी मेजर स्केल, कोई भी सॉन्ग है मेजर स्केल का सॉन्ग है और वो डी मेजर स्केल पे, तो उसके नोट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेजर स्केल के नोट्स। अब ये मतलब सॉन्ग एक स्केल में होता है, उसका मतलब क्या है कि सॉन्ग इन सुरों में है, मतलब ये जो जितने मैंने नोट्स प्ले किए अभी, राइट, ये नोट्स में पूरा सॉन्ग है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सॉन्ग डी स्केल में हो, सारे सॉन्ग कोई भी एक स्केल में हो। मैंने क्या कहा कि एक स्केल में सॉन्ग है, मतलब वो स्केल में जितने नोट्स होते हैं, मतलब कोई भी सॉन्ग है पर्टिकुलर कोई भी एक स्केल में, डी स्केल ले लो, ए स्केल ले लो, एफ शार्प ले लो, डी शार्प ले लो, कोई भी ले लो, वो जो स्केल के नोट्स हैं वो पूरा सॉन्ग होगा, वो इन नोट्स से मिलके बना होगा पूरा, ठीक है। चलिए तो हमको एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें सुन ली कि कोई भी एक सॉन्ग जो होता है वो एक स्केल में होता है और वो स्केल के जो नोट्स होते हैं, जो कि मेजर स्केल माइनर स्केल में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको। तो वो जो नोट्स होते हैं उसमें पूरा सॉन्ग बना होता है। चलिए हम एक एग्जांपल के तौर से एक सॉन्ग लेते हैं, मैं आपके सामने इसके नोट्स फाइंड करूंगा ताकि आपको पता चले कि हमारा भी वर्क फ्लो क्या होता है एज अ पियानिस्ट, कोई कैसे नोट्स फाइंड करता है कोई एक सॉन्ग के, ठीक है। चलिए हम सॉन्ग लेते हैं पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, ठीक है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा। अब ये सॉन्ग जो है वो मेजर स्केल का सॉन्ग है और ये सॉन्ग मेजर है या माइनर है वो हम दूसरे कोई लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सॉन्ग मेजर स्केल का है, ठीक है। अब मेजर स्केल का सॉन्ग है, अब यहाँ पे हम ओरिजिनल स्केल से नहीं कर रहे, क्योंकि देखो अभी कोई भी सॉन्ग हो आप उसे कोई भी की से प्ले कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल स्केल से ये प्ले होगा, मतलब कोई भी एक नोट है पर्टिकुलर वही नोट से प्ले होगा, ये जो 12 नोट्स है उसमें से कोई भी एक नोट से आप प्ले कर सकते हो और वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं डी स्केल, बहुत ही सिंपल स्केल है, देखो डी स्केल है, अब
अब देखिए हम कॉर्ड्स को नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ राइट हैंड से करेंगे क्योंकि हमें पहले सिर्फ राइट हैंड से करना है। कॉर्ड्स कैसे निकाले वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स हो गए। अब ये जो नोट्स मैंने प्ले किए, 7 नोट्स, ठीक है। अब उनमें से देख, हमारे 12 नोट्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 7 नोट हमने ले लिए कि 7 नोट में हमें बनाना है, ठीक है। तो 12-7 कितना हो गया, हमारे 5 नोट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए, मतलब उनको हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 7 नोट को यूज करके बनाना है सॉन्ग को। अब इतना नहीं है कि ये सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना ही, इतने ही नोट्स नहीं है। अब इसको लोअर ऑक्टेव में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डी चाहे यहाँ का हो, ये ऑक्टेव का हो, चाहे ये वाला ऑक्टेव का हो, चाहे ये वाले ऑक्टेव का हो, हम यूज कर सकते हैं। अब ई भी सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला ई यूज कर सकते हैं, हम ये वाला भी ई यूज कर सकते हैं और ये वाला भी, सेम गोज फॉर एफ शार्प। अब देखो जी, जी में भी सेम पीछे जा सकते हैं, मतलब अब ये लास्ट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी शार्प, ठीक है। अब सी शार्प यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब हम डी के बाद पीछे जाना हो हमें तो हम जा सकते हैं, लेकिन नोट्स कौन से होने चाहिए, सी शार्प बी, क्योंकि यहाँ पे हम वो नोट्स यूज कर रहे हैं तो हम लोअर ऑक्टेव में भी यूज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा अगर आपने सीरीज फॉलो की होगी तो, कि कोई भी एक नोट होता है सारे कीबोर्ड में वो नोट्स सेम ही होता है, मतलब सी शार्प यहाँ प्ले करो, यहाँ प्ले करो, यहाँ 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 कहीं पे भी प्ले करो, वो सेम ही साउंड होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी हाई या लो होती है, ठीक है। तो अब चलिए हमारा पैड पे देखते हैं हम। अब हमें स्टार्ट करना है आपको सॉन्ग की, सबसे पहले इसका भी एक क्राइटेरिया है कि आपको सॉन्ग सिंग करना आना चाहिए, राइट। अब आपको आपने सॉन्ग सुना ही नहीं होगा तो आप उसके नोट्स फाइंड नहीं कर पाओगे, आपको सॉन्ग याद ही नहीं होगा, आपको उसकी ट्यून ही याद नहीं होगी, राइट। उसको हम मेलोडी कहते हैं, उसकी ट्यून ही याद नहीं होगी तो आप कैसे प्ले कर पाओगे, राइट। अब ये सॉन्ग का हमें ट्यून पता है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, राइट। अब ये जो लाइन है उसका हमें पहले हमिंग करना है, तो कैसे होगा, अब इतना ही करेंगे पहले, राइट। अब ये हमिंग हो गया, अब इससे आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि इसको ये पियानो पे कैसे साउंड करेगा, ठीक है। अब देखो ये पियानो पे ऐसा साउंड करेगा, टन 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 टन, ठीक है। अगर आप पियानो नहीं देखते हो तो आपको ये बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन एज अ पियानिस्ट हमें ये चीज दिमाग में चलानी पड़ेगी, ठीक है। क्या है, टन 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 टन, राइट। अब इतना प्ले करना है हमें, अब स्टार्ट करते हैं, राइट। अब प्ले नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे नोट पे जाना है, लेकिन वो नोट डी का ही होना चाहिए, डी स्केल का ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं और, लेकिन हम क्या करना है, पहली, राइट, हाई है थोड़ा तो और जाएंगे आगे, ये नहीं हो रहा है तो ये वाला ट्राई करेंगे, पहली, राइट, थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको, मतलब ये चीज भी कैसे आएगी, जैसे आपके ईयर ट्रेन होंगे। अब इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है कि ईयर ट्रेनिंग के लिए मैं कोई पर्टिकुलर एक ट्रिक बता दूं और वो करने से आपके ईयर ट्रेन हो जाएंगे, ये पूरा एक एक्सपीरियंस का खेल है, राइट। अब जितना ज्यादा प्ले करोगे, जितने ज्यादा साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा टाइम आप पियानो प्ले करोगे उससे आपके ईयर्स ट्रेन होंगे, राइट। अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये जो वीडियो है उसमें मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप डायरेक्ट तुरंत प्ले करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं जो है आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये चीज को, आपको मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स इतने पक्के होने चाहिए कि आपको उसके साउंड्स पता हो, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं, पहली फिर नजर में, अब पीछे जा रहे, राइट, आपको पता चलेगा, राइट। अब हाई होता तो ये हाई जा रहा है, लेकिन हम लो आ रहे, टन 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 टन, राइट। तो पहली न, अब देखो आपको जो प्ले कर रहे उसके साथ आपको वर्ड्स को बिठाने की ट्राई करनी है, अगर बैठ रहे तो आपका राइट है, पहली नजर में, राइट, मतलब ये जम नहीं रहा है इतना। अब और एक पीछे जाते हैं, पहली न, राइट, ये सेट हो रहा है, पहली न फिर जर में, ये थोड़ा हाई है, पहली न जर में, राइट, ये हमारी पहली लाइन बैठ गई। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा सॉन्ग्स प्रैक्टिस करोगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मतलब आपको ये सीखना है तो उसके पहले आप मिनिमम 20 सॉन्ग सीख लो, 20 सॉन्ग्स आप सीख लो तो आपका एक फ्लो बन जाएगा उससे, ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉन्ग बनते हैं और कैसे उसको प्ले करते हैं हम, राइट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा सॉन्ग्स करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहली नजर में फिर
ऐसा जादू कर दिया ऐसा, अब और नीचे जा रहे नजर में ऐसा, अब और नीचे जाएंगे राइट ये नोट सेट नहीं हो रहा लेकिन ये हो रहा है राइट आपको प्ले करके देखना है पहली नजर में फिर ऊपर देखते ये वाला क्योंकि देखो सी शार्प यहाँ पे भी यूज किया है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसा फिर जादू अब ये थोड़ा हाई हो गया तो जाएंगे जादू नहीं हो रहा है जादू अब जा तो सेट हो गया दू सेट नहीं हुआ राइट तो पहली नजर में ऐसा जा दू दू राइट ये हुआ कर दिया कर नहीं हो रहा है कर दी या राइट हाई कर दी या ये सेट नहीं हो रहा है तो आपको ये चीज करनी है कि डी स्केल के ही करने राइट आपको सेवन नोट्स में ट्राई करना है जा सॉरी कर दी या अब ये लास्ट नोट सेट नहीं हो रहा तो हम और एक ट्राई करेंगे राइट तो ऐसे आप एक सॉन्ग को बनाने की ट्राई करते हो ठीक है अब देखो ये मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं आपको लेकिन ये चीज करनी आपको है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको स्केल्स आने चाहिए साथ साथ में आपका सॉन्ग बेस पक्का होना चाहिए कि आपको सॉन्ग्स प्ले करना अच्छे से आना चाहिए और साथ साथ में सुनने की आपको प्रैक्टिस अभी से कर देनी है कि आप जब सिंग कर रहे हो तब आपको एक आइडिया बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि ये सुर हाई जा रहा है ये सुर लो जा रहा है ये सुर एक ही जगह पे घूम रहा है राइट अब चलो ये सॉन्ग तो हमने देख लिया इसकी एक लाइन आप खुद इसको प्रिपेयर कर सकते हो अब यही चीज़ को हम दूसरे स्केल से भी कर सकते हैं ठीक है अब हमने क्या किया यहाँ पे नोटिस किया होगा हमने 1 2 3 4 5 6 मतलब ये इतने नोट्स यूज किए पीछे के 3 और पहले के 3 राइट अब इसको आगे देखते हैं एफ शार्प से करके देखते हैं तो वैसे ही 1 2 3 ये नोट और पीछे के फिर एफ डी शार्प और सी ठीक है पहली नजर में ठीक है नोट हाई हो गया मेरा पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया राइट मतलब ए शार्प से भी प्ले कर सकते हो एफ शार्प से भी स्टार्ट कर सकते हो अब डी से भी स्टार्ट कर सकते हो देखो कैसे होगा अब डी से स्टार्ट करने के लिए हमारा स्केल होगा ए शार्प ठीक है राइट देखो मैंने भी जब सॉन्ग खुद फाइंड करना स्टार्ट किया था तब एक सॉन्ग बनाने में मुझे 2 दिन लगते थे 3 दिन लगते थे कभी कभी तो एक एक हफ्ता निकल जाता था एक एक मतलब एक म्यूजिक का पार्ट बनाने के लिए इतना टाइम निकलता था राइट लेकिन अब कैसे आए अब मैं ऑन द स्पॉट प्ले कर सकता हूँ राइट तो ये चीज़ कैसे आई जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास पेशेंस था कि मुझे पता है कि नहीं मुझे टाइम लगेगा स्टार्टिंग में और आपको भी नोट्स फाइंड करने में टाइम लगेगा पहले अगर 10 दिन में निकल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है राइट होता है सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ है आपके साथ भी होगा लेकिन हमें क्या रखना याद कि कोई बात नहीं नहीं हो रहा है फिर से ट्राई करेंगे ये सॉन्ग में कंटाल आ रहा है दूसरा सॉन्ग चूज कीजिए ये सॉन्ग भी नहीं हो रहा है दूसरा सॉन्ग ट्राई करते रहे ट्राई जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतने अच्छे से आप नोट्स फाइंड कर पाओगे सो ठीक है आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि कैसे नोट्स फाइंड करते कोई भी डाउट्स लग रहा है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन मतलब मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा अगर डाउट होगा तो ठीक है तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है आपको खुद चलना है उसके ऊपर अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि आपको मतलब कोई ऐसा चीज़ बता दूँ कि उसके बाद आप तुरंत प्ले करने लग जाओ और ऐसा कोई आपको दावा कर भी रहा है तो वो सही नहीं हो सकता ठीक है मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों ये मेरे वर्ड्स पे क्योंकि मुझे पता है मैंने एक्सपीरियंस की है चीज़ पे और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनमें भी एक्सपीरियंस किया है वो भी स्टार्ट करते तक एक वीक में एक सॉन्ग में सिर्फ 2 लाइन बना पाते हैं एक वीक में सिर्फ 2 लाइन लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आता है तब अपने आप फिर वो अपने आप सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं आज सॉन्ग बना के तो ये कैसे हो रहा है पेशेंस एंड प्रैक्टिस ठीक है तो आपको याद रखना है आराम से बैठिए प्ले कीजिए जितना हो सके जितने ज़्यादा नोट्स फाइंड कर सके उतने ज़्यादा नोट्स फाइंड कीजिए आपके लिए बेटर है ठीक है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।